साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष यात्रा को लेकर संग्राम, पुलिस ने नहीं दी इजाजत, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। संजय कुमार बोले संयम की मजबूरी ना समझे। सचिन पायलट पर सीएम गहलोत के हमले से खफा है आलाकमान, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो सकती है कार्रवाई। तेलंगाना के श्रम मंत्री श्री मल्ला रेड्डी का बयान, बोले केंद्र में 2024 में केसीआर आएंगे, आयकर छापे पड़ने बंद हो जाएंगे। गुजरात चुनाव 2022 में कच्छ के आप प्रत्याशी ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। हरियाणा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटें जीती, आप 15 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गंभीर आरोप, बोले अधिकारियों को मुर्गा बनाकर पीट रही ईडी और आईटी। अमित शाह के बयान के बाद गरमाई भरूच की सियासत, मुस्लिम बहुल इलाके में भी भाजपा ने लगाई सेंध। मैसूरू में अब मस्जिद जैसा नहीं दिखेगा बस स्टॉप, दो गुंबद हटाए रंग भी बदला, कर्नाटक की बीजेपी सांसद ने दी थी गिराने की धमकी। समस्तीपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने भरपाया कहर, पूजा करने जा रहे 15 लोगों को कुचला, 9 की हालत गंभीर। पटना में मोहन भागवत ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, बोले सभ्यता और संस्कृति से महाशक्ति बनेगा भारत। अशोक गहलोत का तंज, बोले जब पीएम मोदी का नाम ही काफी, फिर क्यों गुजरात के इतने दौरे कर रहे। केरल में थाने में हमला, 36 पुलिसकर्मी घायल, अडानी पोर्ट बनाने का हो रहा विरोध, 15 लोगों को हिरासत में लिया। राज ठाकरे ने राहुल गांधी को बेवकूफ कहा, बोले सावरकर पर टिप्पणी करने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। श्रद्धा के कत्ल में एक और व्यक्ति शामिल था, दावा सबूत मिटाने में आफताब की मदद की थी। महाराष्ट्र में रेलवे फुटब्रिज हादसे में महिला की मौत, पुल का स्लैब धंसने से 60 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरे थे लोग। जयंत चौधरी ने मदन भैया के प्रचार में झोंकी ताकत, दो दिन में 21 गांव में की नुक्कड़ सभा, घर घर बांट रहे वोटर पर्चे। दो होमगार्ड में खुलेआम हाथापाई, ड्यूटी पर लेट पहुंचने को लेकर हुआ विवाद, राहगीर ने 29 सेकंड का वीडियो वायरल किया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लगी हल्दी, 11 मंदिरों से निकाली जाएगी राम की बारात, मंदिर के महंत बनेंगे राजा दशरथ। झांसी में चलेगी हॉप ऑन इलेक्ट्रिक बसें, 500 रुपए होगा किराया, पर्यटक किला म्यूजियम और सैर कर सकेंगे।
गाजियाबाद में सड़क पर भिड़े महिला पुरुष, शादी में डीजे तेज आवाज में बजाने पर हुआ विवाद, सड़क पर लड़ाई से लगा जाम। पंद्रह दिन का प्रेम विवाह और मौत, जौनपुर में एक साल तक लव अफेयर में थे, लाश कमरे में फंदे पर लटकी मिली, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रायबरेली में दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर, ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। मदरसों में आठवीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार ने दिया आदेश, पिछले साल 6 लाख छात्रों को दी गई थी। डॉक्टर पर हमला करने वाले सपा पार्षद को जेल भेजा, मुरादाबाद में मेडविन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थी तोड़फोड़। मुरादाबाद में रोडवेज बस ने युवक को कुचला, देहरादून का रहने वाला था मृतक प्रमोद, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिप्टी सीएम के काफिले से टकराई नील गाय, केशव प्रसाद गाड़ी में मौजूद नहीं थे, बनारस से लखनऊ आ रहा था काफिला। आजमगढ़ के 8 थानों में फेरबदल, जमीन कब्जाने के आरोप में हटाए गया तरौलिया इंस्पेक्टर, वायरल हुआ था वीडियो। एक सौ 151 मीटर लंबे झंडे के साथ क्रांतिकारियों को दी गई सलामी, इटावा में पंचनद के तट पर चंबल के वीरों को दिया। दवा सप्लायर को लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में दबोचा, मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हुआ बदमाश। औरैया में प्यार फिर धर्म परिवर्तन की कहानी, लव मैरिज कर 10 साल पत्नी की तरह रखा, अब धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाव। शादी में इनकार पर तस्वीरें की वायरल, जॉब छोड़ने को मजबूर हुई युवती, आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में ब्रेजा ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी, एमएमजी हॉस्पिटल के सामने रात 2 बजे हादसा, एक सिपाही की हालत गंभीर। महोबा में अंधविश्वास के चलते किशोरी की हालत खराब, जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, डॉक्टर कर रहे इलाज। हत्या नहीं, एक्सीडेंट में हुई थी छात्र की मौत, बरेली में बीए के छात्र बादाम की मौत का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फतेहपुर में पति ने की आत्महत्या, मायके से वापस नहीं आ रही थी पत्नी, काफी दिनों से दोनों का फोन पर हो रहा था झगड़ा। अंबेडकर नगर में सहकारी समितियों से गायब है डीएपी खाद, उपलब्ध ना होने से किसानों की बुआई हो रही प्रभावित। जालौन में चोरों ने लाखों के जेवरात, नकदी की पार सोने घर को बनाया निशाना, परिजन गए थे शादी समारोह में, सुबह लौटे तो पता चला। मिर्जापुर में नकली मूर्ति बेचने वाले गिरफ्तार, सोने की मूर्ति बताकर 1,05,000 रुपए ठगे, दो और आरोपी पकड़े गए, अब तक 5 की गिरफ्तारी। उन्नाव में गोदाम इंचार्ज व मैनेजर ने ड्राइवर को पीटा, ट्रक ड्राइवरों ने की हड़ताल, 24 घंटे तक प्लांट की सेवाएं रही ठप। रामपुर में हकीम ने महिला मरीज से किया रेप, 4 दिन पहले की वारदात, जानकारी पर परिजनों का हंगामा, 20,000 में हुआ समझौता।
फरुखाबाद में पुरानी रंजिश में पत्रकार को मारी गोली, गोली लगने से पत्रकार हुआ गंभीर रूप से घायल, दबंग हुए फरार। डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, घंटों हाईवे में लगा रहा जाम। कुशीनगर में लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर छापा, छापे के दौरान दुकान के अंदर अवैध शराब बरामद। कानपुर में वीवीआईपी मरीज के लिए सड़कों पर उतरी तीन जिलों की पुलिस, लखनऊ से कानपुर रीजेंसी हॉस्पिटल तक कॉरिडोर। हरदोई में चाचा ने भतीजों पर बरसाई गोलियां, एक की मौत, घटना के बाद बाइक चलाई कई थानों की फोर्स मौके पर। उत्तराखंड के नशेड़ी युवकों ने पहले कार में मारी टक्कर, फिर बोनट पर लटके व्यक्ति को लेकर शहर भर में घूमे। उत्तराखंड के टिहरी में गुलदार ने 13 साल के किशोर को बनाया निवाला, जंगल में बरामद हुआ शव। दिल्ली नगर निगम के चुनावी दंगल में धामी की धूम, नगर निगम में 15 साल से है भाजपा का कब्जा। उत्तराखंड के विधायक वंशीधर भगत का बयान, बोले चिंतन शिविर में अफसरों को दिया गया मुख्यमंत्री धामी का मंत्र के विकास में बनेगा मील का पत्थर। विधानसभा सत्र के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, विभिन्न रूट रहेंगे डायवर्ट, सभी मार्गों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। गौचर व चिन्यायली सौड के लिए हवाई सेवा जल्द, सीएम धामी ने की नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। उत्तराखंड में गढ़ी कैंट वासियों को ओवरहेड टैंक की सौगात, टापेश्वर में बनेगा नलकूप, कबीना मंत्री ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड में शादी समारोह में रानीखेत आया दिल्ली का युवक, ग्रामीणों ने समझ लिया किडनैपर, कर दी धुनाई, पुलिस को सौंपा। उत्तराखंड में 8 लाख दहेज नहीं दिया तो महिला को घर से निकाला, पुलिस ने पति समेत 7 पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड में दुल्हन के ससुराल पहुंचते ही हंगामा, कार से उतरने से किया मना, उल्टे पांव मायके लौटी। उत्तराखंड में अगले 5 दिन वर्षा के आसार नहीं, दिन रात के तापमान में बढ़ा अंतर, करना दे बीमार। उत्तराखंड के हरिद्वार में दबिश देने गई पुलिस को महिलाओं ने घेरा, धक्का मुक्की के बीच फरार हुआ सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी। उत्तराखंड के एसआईटी जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि, जिला पंचायत अध्यक्ष पर दर्ज होगा मुकदमा। गुजरात चुनाव में दीप्ति रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा का बनाया गया प्रभारी। अंकिता हत्याकांड के नहीं खुले अभी तक रिजॉर्ट की कहानी और वीआईपी का राज, आरोपियों का नार्कोटेस्ट करा सकती है पुलिस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख से निपटने की कनाडा की नई योजना, 26 पन्नों का दस्तावेज जारी।
अमेजन यूरोप के दो मामलों में कर सकती है समझौता, वैश्विक राजस्व का चुकाना पड़ सकता है 10% जुर्माना। नेपाल चुनाव में ओली को एक और बड़ा झटका, सभी 7 राज्यों में सरकार बना सकती है नेपाली कांग्रेस। अमेरिका में बिजली के तारों से जा टकराया प्लेन, हवा में अटके पायलट और पैसेंजर्स, 1,00,000 घरों की बत्ती गुल। हाड़ कपाने वाली सर्दी तय करेगी रूस यूक्रेन जंग की दिशा और दशा, बारिश के बाद कीचड़ से दोनों परेशान। चीन में कोरोना पाबंदियों का विरोध, 9 बड़े शहरों में सड़कों पर उतरे लोग, ब्लैक व्हाइट पेपर लेकर प्रोटेस्ट किया। अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात, भूख से रोते बच्चों को सुलाने के लिए मां बाप नींद की दवा दे रहे, बेटियों को बेच रहे। जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता बागी, बिजली कटौती पानी की किल्लत के चलते विरोध प्रदर्शन, पूरा विपक्ष जेल में। सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास आतंकी हमला, पर्यावरण मंत्री बाल बाल बचे, एक दिन पहले सेना ने 100 आतंकी मारे थे। तालिबान जंग से ज्यादा खतरनाक यूक्रेन युद्ध, रोजाना 40,000 राउंड गोले दाग रहा रूस, हथियार सप्लाई करने में पीछे हुआ अमेरिका। अमेजन में हुए इस्तीफों की होगी जांच, श्रम कानूनों के उल्लंघन का पता लगाएगा मंत्रालय। बेंगलुरु में एथर एनर्जी की उत्पाद क्षमता 3.5 गुना बढ़ी, हर रोज 650 ई स्कूटर बन रहे। प्राकृतिक गैस के लिए तय हो सकती मूल्य सीमा, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आएगी नरमी। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री डलगस का बयान, बोले अमेरिकी विनिमय दरों की वृद्धि में कमी से आएगी रुपए में स्थिरता। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द दे सकती है तोहफा, एक साथ मिलेगा 18 महीनों का बकाया डीए। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, बोले डेटा प्रोटेक्शन बिल से नहीं होगा प्राइवेसी का उल्लंघन। फार्मा एक्सपोर्ट 14.57 अरब डॉलर पर पहुंचा, देश बनेगा फार्मा बाजार की वैश्विक शक्ति। बाजार में तेजी के आसार, टाटा मोटर्स रिलायंस समेत इन 5 शहरों में करे निवास, मिल सकता है अच्छा रिटर्न। पेट्रोल डीजल पर बढ़ते खर्च के बीच, बोले नितिन गडकरी, पूरे भारत में जल्द खोले जाएंगे एथेनॉल पंप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था पर दिया बड़ा बयान, बोले किसानों की स्थिति में सुधार जैसे अपेक्षाकृत कम आकर्षक। रवि शास्त्री के बाद अजय जडेजा ने भी राहुल द्रविड़ पर साधा निशाना, बोले कोच को ब्रेक की जरूरत नहीं होती। सूर्य कुमार यादव का छक्का देख हैरान रह गए कमेंटेटर और फैंस, वीडियो हुआ वायरल।
न्यूजीलैंड दौरे पर शुभमन गिल के फैन हुए पूर्व भारतीय कोच, बोले उसे शाही अंदाज में खेलते देखना चाहते हैं। पीटी ऊषा का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनना तय, पोस्ट के लिए एकमात्र उम्मीदवार मिलेंगी पहली महिला अध्यक्ष। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा हॉकी मैच भी जीता, शुरुआती गोल के बाद भी 7-4 से हारा भारत। सत्रह साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगा इंग्लैंड, वेन स्टोक्स की कप्तानी में रावलपिंडी पहुंची टीम। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हार पर बेल्जियम में दंगे, वर्ल्ड की नंबर टू टीम को मोरक्को ने हराया। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, मोरक्को ने बेल्जियम को हराया, 24 साल बाद जीता वर्ल्ड कप मैच। बाहर होने की कगार पर पूर्व चैंपियन जर्मनी, स्पेन में मैच ड्रॉ, नॉकआउट में जाना मुश्किल। वर्ल्ड कप से बाहर हुई कनाडा, दूसरे मैच में हराया, मारे दो गोल। दिसंबर को बड़ी अनाउंसमेंट करेंगी कियारा आडवाणी, बोली सीक्रेट रिवील करने का इंतजार नहीं कर सकती, यूजर्स बोले क्या शादी कर रही हैं। अनुराग कश्यप 3 बार जा चुके हैं रिहैब, बेटी को रेप की धमकियां मिलने की वजह से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आलिया बनेंगी कूल मॉम, जल्द रिवील कर सकती हैं राहा का फेस, बेटी के साथ बना सकती हैं वेकेशन का प्लान। रोहित शेट्टी की सर्कस का टीजर रिलीज, जबरदस्त कॉमेडी का तड़का लगाते दिखेंगे रणबीर जैकलीन। शाहरुख खान के घर के बाहर फैन बनकर पहुंचे आयुष्मान खुराना, मन्नत पर मांगी मन्नत। बाबिल खान को स्टार किड होने का नहीं मिलता कोई फायदा, बोले मैं ऑडिशन देता हूं, कहीं भी रिजेक्ट होता हूं। बड़ा पछताओ के पर डांस देखकर नौरा के छलके आंसू, बोली इस गाने की शूटिंग के दौरान मैं पर्सनल सिचुएशन से जूझ रही थी। रुका सुएब सानिया का तलाक, द मिर्जा मलिक शो पूरा होने के बाद ही कर सकेंगे अनाउंसमेंट। कैफे लॉन्च पर पहुंचे शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ से लेकर तेजस्वी प्रकाश तक मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सितारे। रिप्लेसमेंट एक्टर कहे जाने पर कार्तिक आर्यन का जवाब, कहा मुझे इग्नोर करना मुश्किल है, जानकर खुशी होती है। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।